या मैंने एडिटिंग लाओ मेरे को फोन दो लेक्चर 11 कर देना पहले डन करो उसको पहले डन करो फिर करो सेव लाओ मेरे को दो दो फटाफट लेक्चर 11 कर दो ले लिया कर दो आप इधर से कर दो यहीं से कर दो ना क्या पता हो गया नहीं नहीं चलो अगला टॉपिक डालो आप सेलों का संयोजन सेलों का संयोजन हाँ कर दी ना वो ठीक है ठीक है इसकी क्वालिटी देखो आप नहीं मतलब उसमें बाहर से भाई सही आ रही है ना ठीक ठीक टॉपिक डालो सेलों का संयोजन डाल लिया अब देखो जैसे अपन को टीवी चलानी है और अपने पास छोटे छोटे सेल है एक सेल से तो टीवी नहीं चलेगी फिर अपन क्या करेंगे सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे या समांतर क्रम में जोड़ेंगे अभी पता ही नहीं कि कैसे सेलों का वोल्टेज बढ़ेगा तो सेलों का संयोजन कब क्यों किया जाता है अपनी इच्छानुसार वोल्टेज प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छानुसार वोल्टेज प्राप्त करने के लिए जो ये खेतों पे काम करते हैं ना वहाँ पहले अभी भी शायद रात को 1.5 पेस देते हो 3 पेस की आवश्यकता होती है यानी कि 400 वोल्टेज की आवश्यकता होती है तो लगभग 150 या 200 देते हैं फिर एक दूसरा उपकरण आता है जिसको डिम का भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं तुम्हारी तरफ इसका 1.5 पेस उसमें मिलाया जाता है इन्वर्टर का काम करता है वो उससे इधर मिला के 3 पेस कर दिया जाता है और पूरा कितना हो जाए 400 वोल्टेज उसे चलाई जाती है मोटर क्या बोलते हैं उसको नहीं छोटे छोटे होते हैं कैपेसिटर टाइप के होते हैं छोटे छोटे हाँ सेल टाइप के ठीक है ना तो वहाँ पर भी अपनी इच्छानुसार क्या प्राप्त चाहे जो तुक्के मारो हटो चलो लिखो आप आगे सेलों के संयोजन में लिखो आवश्यकतानुसार परिपथ में विद्युत वाहक बल प्राप्त करने के लिए आवश्यकतानुसार परिपथ में विद्युत वाहक बल प्राप्त करने के लिए या धारा की प्रबलता को बढ़ाने
या धारा की प्रबलता को बढ़ाने, या धारा की प्रबलता को बढ़ाने के लिए दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सेलों को जोड़ा जाता है। दो या दो से अधिक सेलों को जोड़ा जाता है। दो या दो से अधिक सेलों को जोड़ा जाता है, इसे ही सेलों का संयोजन कहते हैं। 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 लिख लिया, अगली लाइन से लिखना। सेलों का संयोजन सामान्यतः, सेलों का संयोजन सामान्यतः, सेलों का संयोजन सामान्यतः दो प्रकार से किया जाता है। सेलों का संयोजन सामान्यतः कितने प्रकार से? दो प्रकार से किया जाता है। पहला लिखना, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। लिख लिया, अब सुनना, इसमें क्या होता है श्रेणी क्रम संयोजन में, वो सुन लेना ध्यान से। देखो इधर, अरे आवाज़ तो आ रही है तुम लोगों को, बता देना नहीं आ रही हो तो। चलो, सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में करते क्या है, सुनना ध्यान से। पूरा सेल तो क्या होता है, प्लस माइनस और इसका खुद का प्रतिरोध। इसके विद्युत वाहक बल को तो इसे लिखोगे, इसका जो प्रतिरोध है ना, आंतरिक प्रतिरोध, उसको स्मॉल आर। ठीक है, चलो मैंने क्या किया, एक सेल तो ये बनाया सर, माइनस प्लस, ये ई वन, छोटा आर वन, पहला सेल हो गया। ये दूसरा सेल बनाया, माइनस प्लस, ये आर टू और ये ई टू। पक्का? चलो आगे, इस पूरे को किससे जोड़ूंगा? बाह्य प्रतिरोध। बैटरी से क्यों जोड़ोगे? प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, संधारित्र को जोड़ो, सेलों को क्यों जोड़ोगे? उनको तोड़ना जोड़ना है। तो ये तो कौन आया, ए, ये बाह्य प्रतिरोध कितना, आर। धारा आई, वापिस कितनी आई। सुनना, पहला सेल ये जिसका धन टर्मिनल, तो ये धनात्मक सिरा या उच्च विभव वाला सिरा, क्या क्या बोलोगे इसको, धन टर्मिनल या उच्च विभव वाला सिरा, ये ऋणात्मक सिरा या ऋण टर्मिनल या निम्न विभव वाला सिरा, ये भी उच्च वाला, उच्च विभव धनात्मक टर्मिनल या ऋण टर्मिनल, सॉरी धन धनात्मक वाला सिरा बोल सकते हो, और ये निम्न विभव ऋण टर्मिनल और या ऋणात्मक सिरा। ठीक है, पूरा सेल ये है भैया, ये पूरा सेल है, समझ में आ रहा है? अब सुनते जाओ मेरी बात ध्यान से। दो या दो से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन, दो या दो से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले सेल का ऋण टर्मिनल, जिसमें पहले सेल का ऋण टर्मिनल दूसरे सेल के धन टर्मिनल से जुड़ा हो, तथा दूसरे सेल का ऋण टर्मिनल तीसरे सेल के धन टर्मिनल से जुड़ा हो, तथा आगे भी इसी प्रकार से क्रम चले, इस प्रकार के संयोजनों क्या बोलोगे, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। जब जब भी अपन संयोजन की बात करते हैं तो एक परिपथ तो इधर बनाते हैं, ऐसा का ऐसा है परिपथ तुल्य वाला इधर बनाए। मतलब क्या है, मैंने दो सेलों को जोड़ दिया, दो निप्पो सेल अपन ने जोड़ दिए, 1.5 एक का है, 1.5 एक का है, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो तीन मिलेगा। तो अपन डायरेक्ट बोलेंगे तीन वोल्टेज की बैटरी, तो अपन डायरेक्ट तुल्य के लिए क्या बोले, ये रहा, ये तो कौन,
तुल्य वाला माइनस प्लस, और ये अब इसको क्या लिखोगे, कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ ये सीरीज, तो इसको तो लिखोगे अब आप स्मॉल, या तो आर एस बोल दो या ई इक्वल बोल दो, स्मॉल ई इक्वल, और ये लिख दिया मैंने ई इक्वल, ठीक है। और यहाँ पर कितना वही प्रतिरोध जोड़ दो, कितना बाह्य प्रतिरोध आर, धारा कितनी आएगी आई, इधर कितनी गई आई, और ये तुल्य परिपथ, कौन सा परिपथ तुल्य परिपथ, पक्का। अरे बोलो, इस आर इक्वल की वैल्यू इन दोनों के बराबर होगी, आर की जगह तो कैपिटल आर, आर वन आर टू की जगह आर इक्वल, ई वन ई टू की जगह ई इक्वल, पक्का। सर तीन भी जोड़े क्या, तीन भी जोड़ सकते हो, चार भी जोड़, वो एन जोड़ेंगे, दो के से अपन डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो तो लिखो इसमें, इसमें लिखो दो या दो से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन, दो या दो से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन, दो या दो से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले सेल का ऋण टर्मिनल, जिसमें पहले सेल का ऋण टर्मिनल, जिसमें पहले सेल का ऋण टर्मिनल, जिसमें पहले सेल का ऋण टर्मिनल कोमा दूसरे सेल के धन टर्मिनल से, दूसरे सेल के धन टर्मिनल से, दूसरे सेल के धन टर्मिनल से, दूसरे सेल के धन टर्मिनल से कोमा लगाए तुमने, पहले सेल का ऋण टर्मिनल दूसरे सेल के धन टर्मिनल से, तथा दूसरे सेल का ऋण टर्मिनल, तथा दूसरे सेल का ऋण टर्मिनल, तथा दूसरे सेल का ऋण टर्मिनल कोमा कोमा तीसरे सेल के कोमा तीसरे सेल के धन टर्मिनल से जुड़ा हो, तीसरे सेल के धन टर्मिनल से जुड़ा हो, तीसरे सेल के धन टर्मिनल से जुड़ा हो, तथा आगे भी यही क्रम चले तो, तथा आगे भी यही क्रम चले तो, तथा आगे भी यही क्रम चले तो, तथा आगे भी यही क्रम चले तो इस प्रकार के संयोजन को, इस प्रकार के संयोजन को, इस प्रकार के संयोजन को सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, पक्का। अरे बोलो, फटाफट बनाओ इसको, मोस्ट लगा लेना टॉपिक को, तीन नंबर में आएगा। तुम्हारी आवाज सुनिए ना, किसकी क्लास है, बना लिया। बना लिया क्या, इसके बराबर बना तुल्य परिपथ, एक समीकरण इससे लानी और एक समीकरण उससे, ठीक है ना। और इनमें क्या लिखना है, थ्योरी में जो दिख रहा है वही, क्या स्मॉल आर वन आर टू क्या है आंतरिक प्रतिरोध, ई वन ई टू क्या है विद्युत वाहक बल, और नीचे क्या जोड़ना है आर बाह्य प्रतिरोध, ठीक है ना। यहाँ बैटरी मत जोड़ना, अरे बैटरी भी क्या जोड़ोगे, पहले बैटरी का है तो बैटरी तो बना रहे हम, अरे एक तुल्य परिपथ, एक इक्वेशन तो इससे लाने, एक इससे लाने, और यहाँ तीन चीजें निकालनी पड़ेगी, एक तो E इक्वल, एक R इक्वल, एक I, तीन निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। चलो, और कभी भी मैं बता दूँ तुम्हें,
इसमें तीन वो तीन सेल मत ले लेना, इसमें ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समांतर क्रम में तीन ले लिए ना तो एग्जाम में एक ही सवाल होएगा तुमसे, दो नहीं होने वाले, समीकरण बनेंगे उसमें अभी सिखाएंगे, तो दो ही लेना है संयोजन में। तो हाँ जोड़ जोड़ तो बहुत सारे सकते हैं पर डेरिवेशन करने के फिर आगे क्या लिखते हैं इसी प्रकार से, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कितने लेने, दो। तो लिखो आप ए और बी के बीच में तो कौन जोड़ रखा है, पहला सेल, और बी और सी के बीच दूसरा सेल। और सेल के बारे में क्या जानते हो, किसी भी सेल के लिए या जब किसी भी सेल से धारा ली जा रही हो तो क्या करते हैं, उस सेल के विद्युत वाहक बल उसकी टर्मिनल ओड़ता का अंतर उस सेल के आंतरिक प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभव पतन के बराबर होता है। पक्का? चलो लिखो, चित्र में E1 व E2, चित्र में E1 व E2, चित्र में E1 व E2, चित्र में E1 व E2 विद्युत वाहक बल, चित्र में E1 व E2 विद्युत वाहक बल, चित्र में E1 व E2 विद्युत वाहक बल तथा तथा R1 व R2 स्मॉल R1 व स्मॉल R2 आंतरिक प्रतिरोध के दो सेलों को, आंतरिक प्रतिरोध के दो सेलों को, आंतरिक प्रतिरोध के दो सेलों को, आंतरिक प्रतिरोध के दो सेलों को बिंदु ए व सी, बिंदु ए व सी, बिंदु ए व सी के मध्य, बिंदु ए व सी के मध्य श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, बिंदु ए व सी के मध्य श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, के मध्य श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, लिख लिया। तथा इस संयोजन को, तथा इस संयोजन को, तथा इस संयोजन को, तथा इस संयोजन को बाह्य प्रतिरोध R, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R, तथा इस संयोजन को बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R, लिख लिया कैपिटल R, ये रहा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि परिपथ में प्रवाही धारा I एम्पियर हो तो, यदि परिपथ में प्रवाही धारा I एम्पियर हो तो, यदि परिपथ में प्रवाही धारा I एम्पियर हो तो, I एम्पियर हो तो बिंदु A व C के मध्य, बिंदु A व C के मध्य, बिंदु A व C के मध्य विभवांतर, बिंदु A व C, ए व सी के मध्य विभवांतर, ठीक है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, चलो अब जो मैं कहूँ वो ध्यान से सुनना थोड़ा। एक बात बताओ, इसका प्लस सिरा यहाँ, इसका प्लस सिरा यहाँ, तो ये बिंदु और इस बिंदु में उच्च विभव वाला कौन, ए या सी, कल बात की ना ए, और सी निम्न विभव वाला। तो अपन यहाँ लिख दें वी ए सी बराबर वी ए माइनस वी सी, पक्का? अब इसमें से वी ए सी, वी ए में तुम क्या घटाओ, वी बी, और क्या जोड़ दो, वी बी घटाओ और वी बी जोड़ दो, पक्की बात। अब यहाँ पर भी उच्च विभव निम्न विभव देखना है, देख लेंगे सर। तो वी ए सी, तो वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी सी, पक्का? सेल दे रखा हो तो सेल का जो प्लस है ना वो उच्च विभव वाला होता है और माइनस वाला निम्न विभव वाला। अब सुनो मेरी मेरी बात, इधर सुनो, ये तार बेचारा, सॉरी सेल, माइनस प्लस विद्युत वाहक बल ई,
आंतरिक प्रतिरोध आर, ठीक है। और इसमें धारा ऐसे गई, कितनी गई आई, चल चल के ऐसे या ऊपर से ऐसे घूम घूम, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिखोगे तुम, ई माइनस वी इक्वल टू आई आर। अरे बोला था ना कल, पक्का। अभी इस ई को उधर ले जाओ, सॉरी वी को उधर ले जाओ, तो ई माइनस आई आर बराबर वी। वी का मतलब क्या है, विभवान था। मैं इसको नाम दे दूँ ए और इसको दे दूँ बी, तो फिर मैं यहाँ एक और क्या चीज़ लिख दूंगा, एक और क्या लिख दूंगा, वी ए बी या वी ए माइनस वी बी या वी बराबर ई माइनस आई आर। पक्का, इसी चीज़ से अपन क्या करेंगे डेरिवेशन, इसी से। अरे यहाँ तक तो कल ही पढ़ाया था, पूरा ही पढ़ाया था, वो तो मैंने विभवांतर टर्मिनल होता हो क्या लिख दिया, वी ए बी या क्या लिख दूँ वी ए माइनस वी बी। इसमें एक बात बता, उच्च विभव वाला सिरा यही तो है, पक्का, और निम्न विभव वाला ये वाला, पक्का। इसको पेज के ऊपर लिखो, जल्दी करो, जल्दी करो। और आज की क्लास है ना, इस चैप्टर की मोस्ट क्लास है, खत्म भी हो जाएगा लगभग, जो भी तीन या चार नंबर का क्वेश्चन आएगा ना आज की क्लास से आएगा, तो जितनी बार भी देखनी हो देखते रहना, कुछ समझ में नहीं आए और तुम बार बार यदि प्रॉब्लम आए वो कल वाली में धारा ले रहे हो धारा जा दे रहे हो, तो एक बार वीडियो को और देख लेना या पूछ लेना मेरे से, और पढ़ते रहो, कोरोना का ध्यान रखो, दिख जाए तो दूर चल जाना, किससे, कोरोना से। आगे बढ़े, चलो मैं आगे, ये बहुत सारे वीडियो नहीं देख रहे स्कूल के बच्चे, कोई बात नहीं, वो सोचेंगे भाई मास्टर तो पूरे साल भर क्या पढ़ाएगा, ऐसे लाइव पढ़ाएगा, तो लाइव में भी इतना ही मजा आता है, रिकॉर्डर तो दे नहीं रहे ना, कोई बात नहीं, वो सोचेगा इससे तो पल्ला नहीं पड़ेगा, पड़ेगा प्रैक्टिकल में, मैं प्रैक्टिकली तब करवाऊँगा ना जब तुम मेरे को आंसर दोगे, वो कह पहले सब नंबर में ले लूँ, सारा देवता डूका घूमता ना, टेंशन मत, हाँ देव्या भी दुखाऊँ, हाँ देव्या भी जो भी आवेदन वाने भी दुखाऊँ, हाँ अपना भी ध्वनि उत्पन्न हो इच्छा तो लिख लिया ही, चले आगे, अरे बोलो, चलो आओ उधर, अब इसके लिए लगाओ यार तुम, इधर देखो मिटा दो इसको, ये समझ में आया इसमें कोई गड़बड़ है क्या, अरे कल की तो बात है, या तो इससे समझ लिया, पूरा डायग्राम बना रखा भी तो समझाया था ना, अरे इसी में तो होता ना क्या बोलते संबंधन ई वी और आर में, यही तो आया था वो। चल भैया तो निकल इधर, लेकिन ये कब है, जब हम किससे धारा ले रहे हो बैटरी से, ठीक है ना, आ जाओ इन दोनों के बीच कहानी देखो, यो अरे सर ये तो अभी आपने समझाया था, वही तो था, धारा कितनी जा रही है आई, इधर भी कितनी निकल रही है आई, मैंने समझाया वही तो है ना ये, तो इसको तो यहाँ जैसा का जैसा ही लिख दो, और इसके लिए क्या लिखूँ, पहले मैं यहाँ कर देता हूँ ऐसा कटा फटा, चूँकि वी बराबर क्या होता है ए माइनस, पक्का तेरे को भी मिटना पड़ेगा और तेरे को भी मिटना पड़ेगा, समझते जाना, तीन नंबर है क्योंकि प्रतिरोध में से आता था वो तो हटाई दिया, आओ वी ए सी इन दोनों को याद रखो, ये तो रहा वी बी और ये रहा वी, धारा इधर जा रही, अभी मास्टर ने बोला कि वी ए बराबर क्या होता है ई माइनस आई आर, अब यहाँ आई तो आई है पर ए की जगह क्या आ गया ए वन और आर की जगह क्या आ गया आर, तो ये क्या आया ई वन माइनस आई आर प्लस, ये कितना आया E2, देखो ना देखो 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 B और ये C, ये भी तो उच्च विभव वाला, ये इसके लिए, अरे यार नहीं है क्या, तो ये क्या आएगा E2 माइनस आई आर, अरे रे रे भैया समान जाति वालों को तो लाओ, उनको तो जिमाएंगे, सो के अंदर आएंगे नहीं आएंगे, वो सो के अंदर मतलब समझ गए ना, नहीं समझे वो तो आएंगे ना, हाँ अब जा समझोगे तो, तो तू कपड़ा का मत करा पर नाउ थर्ड नंबर वी ए सी बराबर ई वन प्लस ए टू आ गया माइनस आई आर वन माइनस आई आर टू,
ये लो सर, वी ए सी बराबर ई वन प्लस ई टू माइनस आई बाहर आर वन प्लस आर टू, समीकरण 50। तो एक लिखो, अरे मोहन सोई बोल रहे हो, तो मिठाई खाते का आलस कर रहे हो यार, चाटा खिलाऊं, लिख फटाफट माइनस, हाँ सॉरी अरे खा लेना घर की बात है, एक कोई आएगा तो एक डिब्बा और मंगवा लेंगे, गांव से कोई आएगा तो मैं, हाँ पूरा यहाँ तक लिखा है ना, ए ओ सी के मध्य विभवांतर, उसके बाद ही लिखना है। हाँ 2 बजे तक तुम ना भी सकते हो, चार बजे तो पता नहीं रापण कहाँ पड़ गया था, घूमने चल जाते हो तुम, तभी तेरे फिटनेस सही है, चला के लिए अरे जल्दी करो तुम लोग, हम देख रहे हैं ना सर, हाँ सभी बच्चे देख लो, तीन नंबर का क्वेश्चन आता है इसका, ये तो किससे लाए समीकरण, इस वाले से, हाँ तुल्य वाले से, एक और दोनों क्या करना है बराबर बस। बड़ी मुसीबत के बाद लाइव चल रहा है, हाँ क्या कह रहा था, खटी फूटी पुराने दुनिया में, मेरे को बहुत टाइम हो गया, उधर क्या लेने जाएंगे, जब वीडियो बन जाती है क्या मतलब, बोर्ड वोर्ड तो आ गया ना उधर का, सब आ गया, कुछ भी नहीं होता, एक लोटा बच रहा है बस, लिख लिया, अरे लिख लिया ना पीछे वालों, तुम दोनों अलग अलग किसे हो गए यार, तार मत पकड़ना इस भाई, तू कोई भाई इस दुखी खड़ी में खेला जी नहीं सकता, मर तो सकता हूँ, चलो लिखे आगे, वो खां चंदन, हाँ खा लो केक बच रहे हो जो खरे होगा आज, तो जिम बोझ, ओहो चलो आगे लिखो आगे, यदि संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल ई इक्वल, ऐसे लिखनो जे ई इक्वल व तुल्य आंतरिक प्रतिरोध व तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आर इक्वल हो तो अगली लाइन से लिखना, बिंदु ए व सी के मध्य विभवांतर। अब तुम सर कौन से बिंदु ए की बात करें, उधर देखो ना यार, तुल्य संयोजन की बात की ना हमने, अरे की नहीं की, तो उसी परिपथ की तो बात करेंगे, अरे बोलो यार, अब आओ, अरे आओ इधर देखो क्या आएगा, वी ए सी बराबर, उसके अंदर क्या जोड़ रखा है, अरे सर एक तो ऐसा सेल पड़ा है जिसका विद्युत वाहक बल ई इक्वल, और एक सा ऐसा ऐसा प्रतिरोध जोड़ रखा है जिसका ई आर इक्वल, पक्का, तो वी ए सी बराबर क्या लिखूं मैं, वी ए माइनस वी सी, उसमें देखो धारा ऐसे ही तो प्रवाहित हो रही है, ऐसे तो ये क्या होएगा, वी ए सी बराबर, ये बोले तो पूरा ई इक्वल माइनस आई आर इक्वल, समीकरण 2, तुलना करवाओ सर समीकरण 1 की समीकरण 2 से, तुलना जगह करना, तो तुलना करने पर, अब सुनो, वी ए सी की जगह है,
ठीक है, तो E इक्वल बराबर कितना आया, E1 प्लस E2, पक्की बात, अरे बोलो, और R इक्वल बराबर R1 प्लस R। रुको, अब ऐसे में पांच सेल जोड़ दूं जिनका विद्युत वाहक बल है E1, E2, E3, E4, E5, जिनका आंतरिक प्रतिरोध है छोटा R1, छोटा R2, छोटा R3, छोटा R4, छोटा R5, और पांचों कौन से क्रम में हो, श्रेणी क्रम। तो तुमसे पूछे कि तुल्य विद्युत वाहक बल, तो E इक्वल बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस, होगा नहीं होगा, फाइव भी बोला है मैंने, हाँ। फिर R इक्वल कितना आएगा, R1, अब मेरी बात सुनना, ये R इक्वल आंतरिक प्रतिरोधों का है, परिपथ का नहीं है, परिपथ में तो अभी वो एक और पढ़ा है कैपिटल R, और सारे के सारे कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम। तो अभी अपन ने दो ही चीजें निकाली, एक तो E इक्वल यानी कि सेलों का तुल्य विद्युत वाहक बल, और दूसरा सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों का तुल्य, सॉरी सेलों का आंतरिक तुल्य प्रतिरोध, पक्का। अभी अपने परिपथ का टोटल प्रतिरोध नहीं निकाला, अरे परिपथ में कैपिटल आर भी जुड़ा हुआ है, पक्का, और परिपथी क्या नहीं निकाली, धारा, वो भी अभी ज्ञात करते हैं, पक्का। लिखो यहां तक, लिखो लिखो लिखो, परसों टेस्ट है, आज खत्म चैप्टर, परसों टेस्ट, लिख लिया, चले आगे, लिखो ये वीएससी वैसे है क्या, टर्मिनल वोल्ट, क्या है ये, और इसका मान किसके बराबर होता है, बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। मास्टर ने कल तीन फोटो बनाए थे ना किताब में, पहला दूसरा से तीसरा मैंने जोड़ा था, और तीसरे से बनेगी इसके समय, इसको क्या लिख सकते हो तुम, वी वी वीएससी को क्या लिख सकते हो, वी, और वी की वैल्यू कितनी, बाह्य प्रतिरोध कितना है आर, उसमें से धारा कितनी जा रही है I, तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना हुआ IR, तो VSC की जगह कितना लिख सकते हो IR, अरे यार, तो लिखो आप आगे, चूंकि टर्मिनल ओड़ता का मान, चूंकि टर्मिनल ओड़ता का मान, चूंकि टर्मिनल ओड़ता का मान बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R, चूंकि टर्मिनल ओड़ता का मान बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के तुल्य होता है, के तुल्य होता है, लिख लिया, के तुल्य होता है। अगली लाइन से लिखना, अतः समीकरण एक से, अतः समीकरण एक से, अतः समीकरण एक से, आ जाओ ये पढ़िए, एक समीकरण एक, वी ए सी बराबर ई वन प्लस ई टू माइनस आई आर वन प्लस आठ, अरे बोल यार, पक्का, आओ ओम जी का ही खे क्या, वो तो खे क्वार भाग्य मान पसा के, हाँ, ओम के नियम से क्या कहा ओम जी ने, बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना, वी ए सी बराबर वी बराबर आई आर, अरे यार कितनी बार समझाओ, एक प्रतिरोध है उसके सिरों पर का प्रति, ओ एक प्रतिरोध है उसका
प्रतिरोध का मान आर, उसमें से गुजरने वाली धारा आई हो तो उसके सिरों का उत्पन्न विभवांतर कितना होगा? आई आर। अरे होगा नहीं होगा तो इसको उठा के पटक दो, ओम जी क्या कह गए वही रख दो इसका। तो आई आर बराबर ई वन प्लस ई टू माइनस आई आर वन प्लस आर टू। चल इधर आ, ये लोग पहुंच गए भाई, सो की गिनती में भी आ गए ही। ई वन प्लस ई टू यहाँ से आए, फिर ले लो, तुम्हारा ध्यान हटा और दुर्घटना घटी, ठीक है। आई बराबर ई वन प्लस ई टू बटे, याद है तुम्हें ये कौन है? परिपथ में बहने वाली कुलधारा। अब कुलधारा क्या आएगी? कुल वोल्टेज बटा कुल प्रतिरोध। कितने सेल जोड़े तुमने? दो। दोनों का विद्युत वाहक बल E1 प्लस E2। कुल टोटल रुकआउट कितनी? छोड़ एक सेल की तो R1, दूसरे की R2, और भाई ये भी तो जोड़ रखा था यार, हो रहा है। अरे बोल यार, आ जाओ आ जाओ। तुम तो बस आगे नहीं आ गया? हाँ यही, हाँ जी लिखो फटाफट। हे भगवान, ज्यादा याद मत करो सर, उठा ले वो कोर्स भी तो नौ याद था। हाँ हाँ भूत बना तो आऊंगा भी सही, और जीना जीना मारा बुराया करूँ ना तो परेशान करूँ, डील में कहेगा तो सर्दी में 4 बजे उठा ठंडा पानी सुनना ओण दो अभी खट जाऊँ मुँह तो खट जाऊँ उन्हें पानी पटाता है। ओहो हनुमान जी अब याद आ गया ना लिखो आगे जल्दी करो डील मामा। हाँ लिख लिया, चले आगे। चलो बच्चों लिखो आप, इसी के जस्ट बाद अतः स्पष्ट है कि, अतः स्पष्ट है कि, अतः स्पष्ट है कि सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में, सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में, सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य विद्युत वाहक बल का मान, सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य विद्युत वाहक बल का मान, तुल्य विद्युत वाहक बल का मान, तुल्य विद्युत वाहक बल का मान कोमा श्रेणी क्रम में जुड़े सभी, कोमा श्रेणी क्रम में जुड़े सभी, श्रेणी क्रम में जुड़े सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के, सेलों के विद्युत वाहक बलों के, सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के, सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के, सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। लिख लिया तथा, 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 तथा सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में, तथा सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में, तथा सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में, संयोजन में तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान, तुल्य आंतरिक, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान कोमा श्रेणी क्रम में जुड़े, श्रेणी क्रम में जुड़े,
श्रेणी क्रम में जुड़े सभी सेलों के, श्रेणी क्रम में जुड़े सभी सेलों के, श्रेणी क्रम में जुड़े सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों के योग के, आंतरिक प्रतिरोधों के योग के, आंतरिक प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, आंतरिक प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। लिख लिया? अरे बोलो, कंप्लीट डेरिवेशन। अब थोड़ा सा अपने दिमाग लगा लेते, लिखो स्टार लगा। बहुत सारे सेल जोड़े जिनका मान क्या हो, समान हो, जिनका मान क्या हो, समान हो, ठीक है। तो लिखो आप, हाँ बहुत सारा जोड़ सक इच्छा अनुसार, ठीक है, होता ही है। ये बाह्य प्रतिरोध का मतलब मैं बता दूँ, आपने पास वो जो जागरण करने की बैटरी आती है ना बड़ी सी, या फिर आप उसको मान लो क्या बोलते हैं ट्रैक्टर की वो बैटरी। अब ट्रैक्टर से रेडियो भी चल रहा है, उसका भी प्रतिरोध है। आगे की लाइटें जला रखी, उसका भी प्रतिरोध है। पीछे की लाइटें जला रखी, उसका भी प्रतिरोध है। वो खुद स्टार्ट भी कर रखा है, उसका भी प्रतिरोध है। तो जितना अपन काम में लेंगे ना, उन सबका प्रतिरोध मिलेगा, ठीक है। चलो लिखो आगे, खर्चा उसी का तो आता है, अपने खर्चा खाएगा प्रतिरोध, शक्ति वहीं तो खर्च होती है, प्रतिरोध ही जीरो, तो भी खर्चा ही नहीं, लाइट का बिल ही नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? चलो लिखो, लिखो आप स्टार लगाएंगे। यदि समान विद्युत वाहक बल, यदि समान विद्युत वाहक बल, यदि समान विद्युत वाहक बल, समान विद्युत वाहक बल वो समान आंतरिक प्रतिरोध के, वह समान आंतरिक प्रतिरोध के, वह समान आंतरिक प्रतिरोध के, वह समान आंतरिक प्रतिरोध के स्मॉल एन सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो, स्मॉल एन सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो, स्मॉल एन सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो, ठीक है ना, उस बैटरी में बहुत सारे सेलों का संयोजन होता है, इन्वर्टर में देखा होगा ना, वो पानी भी भरा हो कभी, तो उसमें सेल होते हैं ना, वो सेल ही कैपेसिटर ही हो। देखो सर, इधर देखो, इधर देखते जाओ, पहला सेल इसका आंतरिक प्रतिरोध, दूसरा सेल इसका आंतरिक प्रतिरोध, तीसरा सेल इसका आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। ऐसे कहाँ तक है, बहुत सारे एन है, माइनस प्लस ए एन, ए थ्री, ए टू, ए वन, आर वन, आर टू, आर थ्री, ये आर बी, और ये इधर बाह्य प्रतिरोध जोड़ना चाहते हो ना तो जोड़ देना। बस संयोजन ही तो कर रहे हैं, संयोजन करने के बाद यार कुछ काम तो लेंगे ना यार, ठीक है। अब इसके लिए E इक्वल का सूत्र क्या होता है अपने पास, ए वन प्लस ए टू प्लस ए, बस बस मल जाओ को पता सो गीत गा बाबू, चूँकि ए वन बराबर ए टू बराबर डैश डैश बराबर ए एन बराबर कितना मान लिया, E इक्वल बराबर E प्लस E प्लस E प्लस E, कहाँ तक है, N तक, ठीक है। आओ कितना आए, E इक्वल बराबर E तो इधर वन प्लस वन प्लस वन प्लस 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 वन टू एन, क्या एन ए आ गया, हाँ ताकि दिक्कत आ रही होती है, बस तीन तो यहीं आओगे, क्यों आओगे तीन तक ही, आर इक्वल आर वन आर टू आर थ्री, बस चार माता है गलत हो जाओ, आर एन सबका मान बराबर छोटा आर, आर प्लस आर प्लस आर प्लस ये आया तो कितना आया एन आर,
अनार आया नहीं आया? अरे आया नहीं आया, पक्का? अब इसमें धारा निकालेंगे, पहले इसको लिख लो फिर निकालेंगे। धारा में कुछ भी नहीं करना, I बराबर E इक्वल बटे R इक्वल प्लस कैपिटल R, कैपिटल R भी तो जुड़ा है। उधर कोई है क्या? उधर मतलब चाय की व्यवस्था हो जाए, देखो तो छोड़ ही देते हैं फिर तो, चाय व्यवस्था ही नहीं है तो छोड़ दो। लिखो फटाफट, कौन बड़बड़ा रहा है भाई? काय काय गीत गा रहे हो? ये सोच रहे भाई एक मिठाई को पीस मल जाओ तो बड़े से। काय मांग रहे हो मिराज? कौन जी हो? लिखो आगे लिख टांगे, लिखो आगे। उठे आओ भाई, लिख लिया? जल्दी लिखो, आगे लिखो। चार चार के ठीक है वो चाहते। आल दिया माता है तो माता जी तो बाद में बनाएंगी। लिख लिया? चलो लिखो और धीरे लिखो मेरे भाई, जब तक चैप्टर नहीं होगा मैंने जाने, 6 बजे 7 बजे। कोई कितने कितने टाइम दे रहा है तू जा सके? फालतू ताकि चक्कर में दूसरे भी परेशान हो रहे हैं। एक बात बताऊँ, पहले मैं पढ़ाता था, एक बच्चा था शायद सेकंड ईयर में था, वो बहुत ज़्यादा बोलता था, 2 साल में निकला था सेकंड ईयर से मेरे सब्जेक्ट में, नहीं दूसरे में फेल होता था, क्या पता इधर का पाप उधर मिल जाता हूँ। मैं तो बता रहा हूँ, अब कोई बड़बड़ा रहा है तो देख ले उसके हिसाब से। लिख लिया? चलो आगे लिखो। हाँ किस्मत मतलब बट्टा बखर रहा है। ठीक है किस्मत में कोरोना जो किस्मत में जो को ये तो बनाया हुआ वायरस से, किस्मत किस्मत तो भगवान लिखता है, वो तो वायरस बनाया किस्मत। अरे रे बात होता फिर लिख दो बाद में, ग्रंथ बात होती फट लो। लिखें आगे, देखो इधर, देखो इधर, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, तो I बराबर E इक्वल बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल R। ओके यहाँ रखो सर वैल्यू, I बराबर एन ई आर प्लस एन, एन बाहर ले लो सर नीचे से, तो यहाँ एन नहीं है ना, तो ये तो R बाय एन प्लस R, इससे कट गया तो धारा कितनी आई वो लिख लो, I बराबर E बटे R बटे एन प्लस छोटा। सर एलसीएम ले पे काय के लिए काटा था? लिखो फटाफट, चलो फटाफट, फिर वापस कोमल लिए काटते रहते। ये जा कोई लाज चाल रहे हो, छाना रहे हो थोड़ी देर,
लिख लिया। लिख लिया। चलो तू ये जो लखन कर रहे हो ना, ये भूल ना तो घनी जगह थपड़ा खा सक, मतलब असा तो कोई ना खे तो कोई जा रहे हो भाई वो अच्छा खरे हो तो वो मार सो कह दो ना असा कह दू। हाँ वो मुझे तो रट लो। हाँ वो देख ना बहुत बार देखे ना मैंने आओ जो ना भाई वो खेव भाई तो उसे ख्या वो जो खुआओ जो तो निकल जाओ से फिर लपेटा में दूसरो आओ जाए तार साथ भी शायद दो तीन बार करना। हाँ तभी तो अब देखो तीन केस पढ़ेंगे अपन। दोस्ती होती क्या है डब्बा घास वेट बिल्कुल भाई साहब दो ही ने रिप्लाई खाएंगे लिए मैसेज करो देखा आ जाओ इधर। अब सुनो दो नंबर और पढ़े इधर पढ़े हैं दो नंबर आओ इधर इधर हेलो इधर देखो पहला माइनस प्लस प्लस माइनस पक्का ई वन ई टू ई इक्वल कितना मिलेगा सर कितना ई वन प्लस ई टू ठीक है। और यदि तुम्हें इसका आंतरिक प्रतिरोध भी दे रखा हो क्या दे रखा हो आंतरिक प्रतिरोध तो यहाँ से या फिर R ही दे रखा हो आंतरिक प्रतिरोध को नगण्य मान रखा हो तो I निकलेगा E1 प्लस E2 बटे कैपिटल R प्लस R1 प्लस R। मैं लिख देता हूँ तुम्हारे क्या दिक्कत ज़्यादा आ सकती है R1 R2 कितनी भाई I समझ गई R कहाँ होगा सर नीचे कहीं ना कहीं जोड़ रखा हो ये इतना मोस्ट नहीं है ये है। अब तुम बताना सर ये कौन सा संयोजन है। बोलो कौन सा संयोजन है। हाँ कौन सा संयोजन श्रेणी क्रम या समांतर क्रम किसको दिखा श्रेणी क्रम जिसको दिख रहा है ना वो परिभाषा को पढ़ ले एक बार। श्रेणी नहीं है तो समांतर होगा। अरे ये कोई संयोजन नहीं है गलती से जुड़ गया बेचारे से। हाँ वो गलती से जुड़ गया। अब गलती से जुड़ गया तो कारण तो कुछ परिपथ में धारा बहेगी दो सवाल है ऐसे गति से जुड़ने वाले। अब इसमें कंडीशन देगा वो कौन बड़ा है ई वन किससे ए टू से ये बड़ा है ये छोटा है तो धारा इसके कारण बहेगी। धारा सेल के कारण किधर बहती है प्लस से माइनस की ओर। ये प्लस से घूम के ये माइनस की ओर आ गई। अरे बोलो ये आई। अब यहाँ पर E इक्वल कितना होएगा E1 माइनस E2 और R पूरा R तो मैं तो डायरेक्ट I निकाल लेता हूँ। I होएगा E1 माइनस E2 और रुकावट कभी भी कम नहीं होगी। रुकावट कभी भी कम नहीं कितनी होगी R प्लस R1 प्लस R। आई बात समझ में। अरे बोलो रुकावट हमेशा क्या होगी जुड़ेगी। अब सुनो थर्ड केस माइनस प्लस फिर ये मैंने यहाँ और ये रुकावट ले ली फिर माइनस प्लस ई टू ई वन आर वन और ये आर टू यहाँ कौन बी और यहाँ कौन ए। ये लो सर ये केस लगा दिया हमने कौन ज़्यादा कौन सा दादा ज्यादा है ई टू पक्की बात तो धारा इसके कारण प्रभावित। अब धारा इधर जाएगी। अरे कोई दिक्कत अब ई इक्वल कितना आएगा ई टू माइनस ई वन और आई ई टू माइनस ई वन। अभी फोटो बनाऊंगा क्वेश्चन का जिसने जवाब नहीं दिया टांगड़े तोड़ दूं मैं तुम्हारे। अरे मजाक कर रहा हूँ नहीं तोड़े यार कुछ भी बस बस ऐसे करा जाता है फिर सूचना लिखो फटाफट ठीक है। हाँ जी
इधर का ये बी और ई जो प्लस वाला सीरीज है, इधर वाला प्लस वाला सीरीज में बता दो, प्लस से प्लस कैसे जाएगी? ये ज्यादा मान का है ना, इधर बैटरी काम करेगी। हाँ, ये 50 वोल्ट का है, 40 वोल्ट का, 10 वोल्ट की बैटरी के बराबर काम करेगी। ये कितने का है? अब छेड़ दिया तो सुन लेना, अब छेड़ दा भी, अरे मार भी निकाल दे। ये कितने का है? कितने का है ये? और ये अब गलती से जुड़ गया ना, तो 50 में से 40 को माइनस कर कितना बचा? तो 10 के कारण धारा बहेगी। 50 के कारण नहीं, किसके कारण? 10 के कारण। वहाँ 50 और 40 90 के कारण धारा बहेगी कि वो संयोजन सही हुआ। तो वही चीज़ है, यदि किसी के जीवन का संयोजन सही हो गया तो धारा सही बहती है। और फिर जब नो संयोजन सही तो फिर टूट जाओ, अरे एकदम तो विस्फोट होना ही होना। समझ में आई बात जीवन की? हाँ लिखो, तो तार सही जोड़ बो करो था। लिखो फटाफट। तार गला जुड़ते एक झटका लागता रे, वो जिंदगी में धक्का खाता रे, वो धक्का खा वो भी जरूरी है। अरे बहुत बहुत भाई, अब पूछे ही मत। क्या बागना है को ना सीरियज, लिख फटाफट। हाँ सर की फीलिंग समझ लेना। किसने ना को ना भाई साहब, मुद्दा से ज्यादा शरीफ कौन ना था? वो कोतवाली था ना, महिला में पुरुष में दुनिया में किए साल देता था। लिख लिया? चलो आओ आगे चलो, बड़े आगे बैठे रहो। मौके चौथा केस, हाँ हाँ आराम से, बस चाय मिल जाए यार, कोई नहीं है ना। अरे नहीं भी तुम पढ़ोगे नहीं, मैं कौन नहीं कौन नहीं पढ़ोगे। लिखा है आगे? अरे आलसियों लिखाऊं? लिखो आगे। एक और आएगा अभी, समझ गए ना इनका मतलब? अभी सवाल दूंगा, किताब लाया होगा ना कोई, गलती से भी एक मार रख लियो यार। ये नहीं यार, ला धन्यवाद, वापस भी दूंगा। हेलो ले आओ ना यार, चाय वाय पियो जल्दी आओ। चलो एक पांचवा भी लिख लो, ठीक है ना? सॉरी सॉरी चौथा। अब चौथा ये है, इसी से बना लेते हैं यार, इसी से बना लेते हैं। ये दोनों क्या हो? बराबर। अरे दोनों क्या हो? बराबर। ये फोर्थ है ये वाला, और दोनों की गलती भी क्या हो गई? जुड़ गई बेचारे, एक तो गलत और एक सही। अरे बोल यार, सॉरी दोनों क्या जोड़ रखे? गलत गलत कैसे? माइनस माइनस से जुड़ जाए, प्लस प्लस से जुड़ जाए तो गलत हो गया। अरे बोलो ना, अब यहाँ तो कितना, दोनों का मान बराबर है तो कितना आया? जीरो। अब धारा बहेगी नहीं बहेगी? कैसे बहेगी रे, तो जीरो, तो ये तो जीरो, तो धारा भी कितनी है? जीरो। लिखो ये फोर्थ वाला भी। लिखा है आगे? चौथा लिख लो फटाफट। आगे बढ़ू? बढ़ू क्या? चले चलो, सवाल दे रहा था ना मैं, बिल्कुल ये लो और आंसर बता ही देना मेरे को, नहीं थोड़ी देर बाद पूछूंगा, तू तो कास्ट तौर पर
स्टेटस अभी सुनाता हूँ मैं सबको, रुक जा तू आज टूटे हुए दिल मैंने भी तोड़ी दिया तो सोच नहीं पड़े हो यार भाई आपने साथ भी सानी घटना हुई थी। अरे रे रे क्या बात तो खुद ही सुन ले वो करे ना दूसरा ना कहीं परेशान करे थे। हाँ चलो आओ, अरे इधर आओ मजाक करे मजाक सीधा छोरा चलो। अरे चुप हो जाओ, इसको फटाफट इसका आंसर बताओ तुम लोग। इवन तेरी राशि गलत है ये क्या रे आज? अरे ये मटर वाले की बहुत सारा तो सोचे अरे इन्हों गलती कर दी यार, यदि मैं केस नहीं पढ़ा तुम क्या करते बोर्ड वाले, इसने किताब वाले ने क्या कर दी गलती नहीं तुम करते सही। अब धारा किसे कारण बहेगी, इसके या उसके? लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात करो। अरे बात नहीं रे, जल्दी करो। जल्दी करो आंसर बताओ। सुमन कहाँ गया है? 26 को आया। दिया ही नहीं तो नगण है उसमें क्या? इसकी वैल्यू नहीं लिखी क्या मैंने? दो में ठीक है ना, जैसे नाम दे रखा है ए बी सी डी। जल्दी करो, अरे आंसर बोलो। हाँ 0.5। ओके अरे आंसर बोलो तुम लोग भी, कितना आया? इसको ऐसे बना लो पहले, प्लस माइनस प्लस माइनस। E1 बराबर 9 वोल्ट, E2 बराबर 6 वोल्ट, 4 ओम और ये 2 ओम। अरे बात नहीं यार बिल्कुल भी, कितनी धारा 9 का ये है ना, तो इससे धारा बहेगी। आया समझ में? कोरोना। चलो E इक्वल निकालो पहले, क्या निकाले? E1 माइनस E2 कितना आया? 9 माइनस 6 बराबर R निकालो। आंतरिक प्रतिरोध नहीं दिया उसने, तो जो दिया है वो निकालो। R1 प्लस R2 4 प्लस 2 6 पक्का। तो परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर जितने भी जुड़े हो ना इसमें उतना E इक्वल, जितनी भी रुकावट हो इसमें वो R इक्वल। तो ये तो कितना 3, ये कितना 6, 0.5 है। लिखो इसको,
डायरेक्ट तुम डेरिवेशन कर दे इसको करने बैठ दो जाने अजीब व गरीब लगता। पहले अपन इसे केस बना लिए तीनों, ठीक है। अच्छे पढ़ तो रहे हैं इधर भी, सब आंसर दे रहे हैं। चलो ये तो कौन सा संयोजन हुआ, श्रेणी क्रम। एक तो समांतर क्रम का बचा हुआ है और एक बचा हुआ है विद्युत शक्ति, ठीक है। तो लिखो आप नेक्स्ट टॉपिक, सेलों का समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन। सेलों का समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन। सेलों का समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन। अब सुनो, इसको मिटाना भी तो बहुत खराब है। अब इसमें क्या होगा, जितने भी सेल होंगे ना, उन सेलों का जो धन टर्मिनल है वो एक ही बिंदु से, और ऋण टर्मिनल वो दूसरे बिंदु से। सभी सेलों के धन टर्मिनल एक ही बिंदु से जुड़े होंगे और ऋण टर्मिनल दूसरे बिंदु से जुड़ेंगे। तो इस प्रकार के संयोजनों क्या बोलोगे तुम, समांतर क्रम संयोजन। पक्का, जब विद्युत वाहक बल बढ़ाना हो ना तो समांतर क्रम संयोजन का उपयोग करते हैं, और जब घटाना हो ना, सॉरी जब बढ़ाना हो तो श्रेणी क्रम का, और जब घटाना हो तो समांतर क्रम। आओ इधर आओ, ये पहला सेल माइनस प्लस ई वन, ये आर वन, माइनस प्लस ए टू, और ये आर। इधर किसको जोड़ोगे, आर। बैटरी क्यों नहीं जोड़ रहे, अरे सर उनका तो संयोजन ही कर रहे हैं। धारा कितनी आई, आई। इधर कितनी आई, आई। इसके पास से कितनी आई, आई वन, और इसके पास से आई टू, दोनों मिलकर कितने बनी, आई, वापिस आई। इस सेल से कितनी बाढ़ निकली थी, तो इसमें कितनी जाएगी, आई टू। इससे कितनी बाढ़ निकली थी, तो इसमें कितनी जाएगी, आई वन। पक्का, इस बिंदु को तो दे दो ए और इसको दे दो सी, ठीक है। ये बाह्य प्रतिरोध, अब तुल्य क्या बनाओगे, माइनस प्लस ई इक्वल, और ये आर इक्वल, ये बाह्य प्रतिरोध। धारा कितनी, आई, ऊपर भी आई, ये कैपिटल आर। परिपथ के ये कौन है, तुल्य परिपथ। बोलो यार, पक्का, अरे बोलो, बनाओ, सॉरी अभी तो परिभाषा लिखो, क्या दिख रहा है तुम्हें। दो ही सेल बनाना, तीन मत बनाना, इधर देखो, इधर बाद में बनाना। दोनों सेलों का धन टर्मिनल या उच्च विभव वाला सिरा एक ही बिंदु से जुड़ा है, और इन दोनों का भी ऋणात्मक सिरा या निम्न विभव वाला सिरा एक अन्य बिंदु से। तो अपन क्या बोलेंगे, दो या दो से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी सेलों का उच्च विभव वाला सिरा या धन टर्मिनल एक ही बिंदु से जुड़ा हो तथा सभी सेलों का ऋण टर्मिनल अन्य दूसरे बिंदु से जुड़ा हो। इस प्रकार के संयोजन को बोलेंगे अपन समांतर क्रम संयोजन। अब इसमें ऐसा दिमाग लगाने मत बैठना, सर धारा कॉन्स्टेंट हो, वी कॉन्स्टेंट हो, इस सेलों का संयोजन प्रतिरोधों का धारिताओं का नहीं है, ठीक है। तो लिखो आप, अब इसमें क्या करना है, एक समीकरण तो इसकी उठानी है, एक उसकी उठानी, और एक ही है तुम्हारे पास ब्रह्मास्त्र, ई माइनस वी इक्वल टू आई आर, ई माइनस वी इक्वल टू आई आर। तेरे चेहरे से क्या देख रहा है, हाथ की लकीरें, मारा कब दे उठका, तो काय करे तुम, अरे देख वो करने यार, अरे ये प्रॉब्लम आर समझ, बता घर वाला ने बता या दोस्त ने बता, तो फिर तुम सही बताइयो, देख रहे हो ना, देख रहे हो यार, तुम काय देख रहे हो, लकीरा थोड़ी चेंज हो, करम कर भाया करम, चल आगे लिख। लिखो, दो या दो से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन, दो या दो से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन
दो या दो से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन, दो या दो से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी सेलों का धन टर्मिनल, जिसमें सभी सेलों का धन टर्मिनल, जिसमें सभी सेलों का धन टर्मिनल, जिसमें सभी सेलों का धन टर्मिनल धन टर्मिनल लिख लिया। अरे आगे बोलो, चलो धन टर्मिनल, जिसमें सभी सेलों का धन टर्मिनल एक ही बिंदु से, एक ही बिंदु से, एक ही बिंदु से जुड़ा हो, सभी सेलों का धन टर्मिनल एक ही बिंदु से जुड़ा हो, तथा सभी सेलों का ऋण टर्मिनल, तथा सभी सेलों का ऋण टर्मिनल, तथा सभी सेलों का ऋण टर्मिनल, तथा सभी सेलों का ऋण टर्मिनल एक अन्य बिंदु से एक साथ जुड़े हो तो, तथा सभी सेलों का ऋण टर्मिनल एक अन्य बिंदु से एक साथ जुड़ा हो तो, एक साथ जुड़ा हो तो, जुड़ा हो तो, एक साथ जुड़ा हो तो, इस प्रकार के संयोजन को, इस प्रकार के संयोजन को, इस प्रकार के संयोजन को सेलों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं, सेलों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं, सेलों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। लिख लिया। अब नाम तो दे दो इनका, बबीता ये ए और ये बी, बनाओ फटाफट, स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। लिखा है आगे, लिखो। पहले तो इनके बारे में लिखना है कि दो सेल लिए हैं जिनका विद्युत वाहक बल तो ए1 ई2 है, आंतरिक प्रतिरोध आर1 आर2 है, इन दोनों को समांतर क्रम में ए और बी के बीच में जोड़ा गया है, फिर ए और बी को कैपिटल आर के बीच। पक्का? चलो लिखो। लिखो, चित्र में ई1 व ई2 विद्युत वाहक बल लिखो चित्र में E1 व E2 चित्र में E1 व E2 विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल तथा R1 व R2 आंतरिक प्रतिरोध के, तथा R1 व R2 आंतरिक प्रतिरोध के, तथा R1 व R2 आंतरिक प्रतिरोध के दो सेलों को, आंतरिक प्रतिरोध के दो सेलों को, दो सेलों को बिंदु ए व बी के मध्य, लिख लिया। इन क्या लिखा है, रुको। चित्र में ए वन व ए टू विद्युत वाहक बल तथा आर वन आर तथा आर वन व आर टू आंतरिक प्रतिरोध के दो सेलों को बिंदु ए व बी के मध्य समांतर क्रम में जोड़ा गया है, बिंदु ए व बी के मध्य, बिंदु ए व बी के मध्य समांतर क्रम में जोड़ा गया है,
समांतर क्रम में जोड़ा गया। आगे लिखो, इस संयोजन को बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर, इस संयोजन को बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर इस संयोजन को बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर के साथ जोड़ा गया है, के साथ जोड़ा गया है, के साथ जोड़ा गया है, लिख लिया, के साथ जोड़ा गया है। यदि प्रत्येक सेल से प्रवाहित विद्युत धारा, 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 यदि प्रत्येक सेल से प्रवाहित विद्युत धारा I1 व I2 हो तो बाह्य परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I=I1+I2 समीकरण एक लिख लिया। इससे कितने आए I1, इससे कितनी मिल गई, तो बाह्य परिपथ में कितनी बह रही है, पक्का? चलो लिखो आगे, अगली लाइन लिखना। यदि बिंदु A व B के मध्य टर्मिनल उल्टता V हो तो इन दोनों के मध्य कितनी, यहाँ से यहाँ तक V, तो एक बात बताओ इन इसके लिए भी कितनी V, समांतर क्रम में है ना, और इसके लिए भी कितनी होगी, समांतर क्रम में वोल्टेज क्या रहता है, कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊपर वाले के लिए कितनी V, तो नीचे वाले के लिए भी कितनी होगी V, ये ध्यान रखना है। तो अगली लाइन से लिखो, क्या लिखा तुमने, ये हो तो, हाँ V हो तो प्रथम सेल के लिए, वी हो तो प्रथम सेल के लिए, प्रथम सेल के लिए क्या होगा वो इधर सुनो, प्रथम सेल के लिए क्या होगा वो इधर सुनो, वी बराबर क्या जानते हो तुम, वी बराबर कितना आएगा, E1 तो उसका विद्युत वाहक बल, प्रतिरोध कितना R1, धारा कितनी I1, तो यहाँ से निकालना है अपन को I1 और समीकरण एक में रखना है I1 I2 का मान। तो IR1 बराबर कितना मिला है, इसको इधर भेज दो ना यार, तो E1 - V, पक्का? तो I1 बराबर E1 - V/R, इक्वेशन नंबर 2 तथा किसके लिए लगाएं, द्वितीय सेल के लिए, तो ये V बराबर E2 - I2R2, पक्का? तो यहाँ से I2R2 = E2 - V, पक्का? यहाँ से क्या मिलेगा, चलो इसको तो बर्बाद करते हैं, एक समीकरण तो किससे लाने, इधर वाले से, और एक समीकरण उधर वाले से, देखो तो कितना आया, I2 = E2 - V/R2, ये आया ना, ये समीकरण 3। समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर कितना आएगा, I = E1 - V/R1,
ए टू माइनस वी बटे आर। अलग अलग करो, ए वन बटे आर वन माइनस वी बटे आर वन, फिर ए टू बटे आर टू माइनस वी बटे आर टू। ई वाले को आगे ले आओ, ए वन बटे आर वन प्लस ए टू बटे आर टू, इधर माइनस वी बटे आर वन प्लस माइनस वी बटे आर टू। पक्का आई बराबर ए वन बटे आर वन, तो ये रहा, तो एलसीएम ले लो सर, आर वन आर टू क्या मिलेगा, ए वन आर टू प्लस ए टू आर, आया नहीं आया, माइनस यहाँ से वी बाहर लो, एक बटा आर वन प्लस एक बटा आर टू। पक्का, चलो इसको भी फ्री करो, देखो इधर क्या है, आई बराबर ए वन आर टू ए टू आर वन बटे आर वन आर टू माइनस वी। एलसीएम लो सर इसका, आर वन आर टू, आर टू प्लस प्लस, हाँ प्लस है ना, तो अब यहाँ से पूरे का क्या ले लो, एलसीएम आर वन आर टू क्या मिला, ए वन आर टू ए टू आर वन माइनस वी आर टू प्लस आर। पक्का, वज्रगुणन करो इनको, तो ए वन आर टू सॉरी क्या मिलेगा, आई आर वन आर टू ए वन आर टू प्लस ए टू आर वन माइनस वी आर वन आर। पक्का, उसको इधर लाओ, वी आई सॉरी वी आर वन प्लस आर, इसको जहाँ का जाएंगे ये तो, और ये इधर जाते माइनस, क्यों ये कौन बजा रहा है, ये पेन सही आई जगह था, डोल बजा एक ठीक, आई आर वन आर टू आ गया, यहाँ से वी निकालते हैं, वी तो इस पूरे का क्या करोगे, भाग दोगे, तो कैसे, ए वन आर टू ए टू आर वन माइनस आई आर वन आर टू बटे आर वन प्लस आर टू। इसको अलग अलग करो, वी बराबर ए वन आर टू ए टू आर वन बटे आर वन प्लस आर टू माइनस आई आर वन आर टू बटे आर वन प्लस आर टू। ये समीकरण आई अपनी चार, कौन सी चार, रुको आपको जो दे रखा है समांतर क्रम संयोजन, उसमें परिपथ में टोटल धारा कितनी आई, टोटल धारा वाला सूत्र है आई बराबर आई वन प्लस आई टू, अपना साथ कौन देगा, E माइनस वी इक्वल टू आई आर, विद्युत वाहक बल टर्मिनल वोल्टता का अंतर सेल के आंतरिक प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभव पतन, उसी से किया, ऊपर वाले सेल के लिए क्या लिखा अपने, V बराबर E वन माइनस आई आर वन सॉरी आई E वन माइनस आई वन आर वन, दूसरे के लिए V बराबर E टू माइनस आई टू आर टू, आई वन आई टू का मान निकाला और ये आई वन का निकाल लिया सर, ये आई टू का निकाल इसमें रखा, फिर यहाँ से इसको हल करते हुए वी का मान निकालना है, अकेले वी का, किसका, अकेले वी का, अब अकेले वी का मान तुम निकालने भी बैठोगे ना तो देखो ये दोनों एक तरफ है, तो इनका क्या करोगे, एलसीएम लोगे, फिर एलसीएम लिया तुमने यहाँ, फिर पूरे का एलसीएम लिया, फिर नीचे वाले को वी निकालना है, तो अभी तो वी अलग हो ही नहीं सकता ना, अगर तुम करना भी चाहोगे तो इसको उधर भेजो, इसको उधर भेजो और उसको इधर ले आओ, फिर इसके साथ जो गुणांक रहा है उसका भी तो भाग दोगे, अरे बोलो, फी को अकेला करना है ना, तो अपन क्या करें, उसका भाग नहीं दे, एलसीएम ले लिया मैंने वापस, एलसीएम लेके इसको तो इससे गुणा कर दिया, पूरे का ले लिया ना, इसको इससे गुणा कर दिया, ये अकेला हो गया,
फिर अकेला होने के बाद इसको इधर ले आए और अकेला क्या निकाला है, वी। तुम इसको यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हो, इसको उठा कर कहाँ लाओ, इधर, और इसको उधर। फिर वी के साथ जो आ रहा है ना उसको इसके बटे में रखोगे तो इससे तो ये कट जाएगा, कटेगा वो ऊपर जाने के बाद, ठीक है ना। और फिर इसके साथ भी गुणा में होगा आई के साथ, और आई के साथ गुणा कैसे होगा वो आई आर वन आर टू बटे आर वन प्लस आर टू, पक्का। तो ऐसे ना करके अपन क्या कर रहे हैं, उसको तो इधर लिया इसको उधर भेज दिया, सॉरी एलसीएम लिया और यहाँ से अलग अलग कर दिया। अब ये तो किससे आया, पूरे संयोजन से। अब तुल्य से डायरेक्ट क्या निकालोगे तुम, वी। तुल्य से क्या निकालोगे, वी। वी कैसे, वी बराबर ई इक्वल माइनस आई आर इक्वल। तो ये तो मान किसका हो गया, ई इक्वल का, और ये आई जहाँ का जाएगा और ये आर इक्वल। इसको लिखो फिर अभी और समझाऊंगा मैं इसमें। लिखा है आगे, लिखो जल्दी से। चले आगे, समीकरण चार तक पहुंच गए। एक समीकरण किससे उठानी है, हाँ
तुल्य परिपथ से, ठीक है। लिखो आगे, लिख लिया पूरा, याद रखना है ना, वी को वी निकालना है, उससे डायरेक्ट वी आ जाएगा। तो लिखो आप, यदि सेलों के संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल, यदि सेलों के संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल यदि सेलों के संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल तथा तुल्य सॉरी यदि सेलों के संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल E इक्वल, तुल्य विद्युत वाहक बल E इक्वल लिख लिया, तथा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, तथा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, तथा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, तथा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R इक्वल हो तो, सॉरी स्मॉल R इक्वल, स्मॉल R इक्वल हो तो, स्मॉल R इक्वल हो तो बिंदु A व B के मध्य टर्मिनल ओढ़ता, बिंदु A व B के मध्य टर्मिनल ओढ़ता, बिंदु A व B के मध्य टर्मिनल ओढ़ता। ये समीकरण किससे बनाओगे तुम, आप किससे बनाओगे, तुल्य परिपथ, ठीक है। अब तुम क्या जानते हो, मैंने जो जानते हो ना दो तीन बार लिखा दिया, उसको बोल भी दिया, V बराबर E माइनस आई आर। अब E तो कितना है, E इक्वल के बराबर, माइनस आई और ये आर, समीकरण पाँच। मेरी बात सुनते जाना, पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना, समीकरण चार की, समीकरण पाँच से तुलना करने पर, पक्का। अब सुनो, E इक्वल की जगह क्या है, ई वन आर टू ई टू आर वन बटे आर वन प्लस आर टू, ऐसे निकलेगा E इक्वल, निकल गया। और सर R इक्वल आर वन आर टू बटे आर वन प्लस आर टू, ये R इक्वल, कोई दिक्कत। सुनो मेरी बात ध्यान से, याद तो तुम्हें ये करना है, ये वाला है याद, क्या हो भी जाएगा। वो तीन के लिए कुछ और आएगा, दो के लिए ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन बटे आर वन प्लस आर। अब एक बात तुम मुझे बता दो, एक प्रतिरोध यहाँ जुड़ा हो आर वन, एक प्रतिरोध यहाँ जुड़ा हो आर टू, और तुमसे पूछ लिया जाए ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या था, कौन से क्रम में, सूत्र क्या होता है, आर वन आर टू बटे आर वन प्लस आर टू, यही तो होता है ना, तो देखो वही तो आया, आ रहा है नहीं आ रहा, अरे वही है ना सर, ये लिखा कहाँ से आपने, इस समीकरण में इक्वल, इस समीकरण में इक्वल, ये आई माइनस ये माइनस, ये आई और ये आर इक्वल, ये आर इक्वल, ये परिपथ का आर इक्वल नहीं है, ये सेलो का आर इक्वल। परिपथ में तो क्या जुड़ेगा, इस पूरे में प्लस कैपिटल आर होगा, इस पूरे में, बाद में लिखना, इस पूरे में क्या जुड़ेगा, प्लस कैपिटल आर, पक्का। अरे आया नहीं आया, कोई दिक्कत, दो के लिए ये और ये दो के लिए, ठीक है सर। ये ज़्यादा के लिए कैसे लगेगा, अभी बताएंगे, ज़्यादा के लिए कैसे लगता है, तीन चार पाँच हो ना तो अलग तरीका होता है इसका, वैसे आता अपने दो के लिए ये, ठीक है, ये भी समान मान के बोलेंगे सारे। तो आप यहाँ तक लिखो पहले, तुम्हारी बायो क्लास नहीं, कोरोना का विशेष ध्यान रखे, बाहर और चालान वालान कट रहा हुआ ना, मास्क वास्क लगाए पूरा, बिल्कुल घर पे भी बहुत खतरनाक है भैया, और अस्पताल में बेड खत्म है, लिखा है आके,
चीन के हालात बुरे हुए थे इस टाइम पे, नवंबर दिसंबर में पिछले साल। अब इंडिया की बारी है, अमेरिका की बारी, वो तो चीन की भी बारी है, पर वो दिखाएगा नहीं। और अपन तो दिखा देते भाई, माँ के यहाँ इतना सुलट रहा था। अभी तो यार 80 लाख 90 लाख क्यों हुआ है ना, अपन कितने 125 करोड़ 140 के लगभग है, जनगणना सही करना। नो यार इतना भी तन विश्वास रख दो दुनिया की ना, अपन भारत की बात कर रहे थे यार दुनिया भर तर अमेरिका और विदेश में भी कोई कोई जान पहचान को कोई फ्रेंड से अगर लिखो आगे लिखो आगे तथा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर 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 में से प्रवाहित विद्युत धारा में से प्रवाहित विद्युत धारा में से प्रवाहित विद्युत धारा पक्का कितनी आएगी? I बराबर E इक्वल बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल R इक्वल। अब सुनो लिखो भी तुम्हें इसको, लिख लिया हाँ, कोई दिक्कत है क्या? इस R इक्वल का मान है सही, इक्वल का मान है सही अपने पास, तो लिखो आप स्टार लगाए लिखना। यदि यदि समान विद्युत वाहक बल E, यदि समान विद्युत वाहक बल कैपिटल E, सॉरी स्मॉल वो E वाला, यदि समान विद्युत वाहक बल E व आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल R, वो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल R, वो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल R के दो सेलों को समांतर क्रम में जोड़े, दो सेलों को समांतर क्रम में जोड़े के ये भगवान के दो सेलों को समांतर क्रम में जोड़े, लिख लिया जोड़े, तो इस संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल, तो इस संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल, तो इस संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल, तो इस संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल कोमा किसी एक सेल के विद्युत वाहक बल के, किसी एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, किसी एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, बराबर होता है पक्का? हाँ सर। आ जाओ इधर, अरे बात नहीं बिल्कुल, इधर देखो इधर 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 कोई बात नहीं। अरे तो ऐसे कौन कहता है हाँ, आंखें मारा है। माइनस प्लस ई वन बराबर ई, खेलने जाना होगा। अच्छा ई टू बराबर ई, ठीक आएगी। आर टू बराबर आर, अरे इधर देखो इधर क्या दिक्कत हुई, इधर देखो E इक्वल बराबर E1 R2 A2 R1 बटे यही
भाई मिठाई खा भाई आई चुका है। और खाऊं क्या? और खाऊं? चलो आओ। अरे बात नहीं, इक्वल बराबर कितना ई आर प्लस ई आर बटे आर प्लस आर, ऊपर कितना टू ई आर बटे टू आर, इधर से इधर बीच में देखो ये बच गया, इक्वल बराबर बचा नहीं बचा। देख तू हलचल मत कर, कितने इफेक्ट होते हैं तेरे से। तो R इक्वल बराबर कितना आया, R जानते होंगे ना इसको, तो R स्क्वायर बटे टू आर, ये कट गया तो कितना आया R बाई टू, लिख लो फटाफट। हेलो काय? हाँ अच्छा लो, अटे भी स्टार्ट हो सकता आज तो अपना 2 घंटा भी नहीं हो या तो कौन खेले 2 घंटा हो गया नहीं हुआ 2 घंटे को 1.5 घंटा भी नहीं हुआ। सुबह यहाँ है ना बिल्कुल सही था, जुकाम वगैरह कुछ भी नहीं था, यहीं हुआ है, समझ नहीं आ रहा कौन है रोगी, गोलू से मिलाऊं बस मैं तो। लिखा है? लिखो लिखो आगे, अरे लिखो चाय मिल जाओ बस, हफ्ते गर्मा गर्म 2 घंटा और पड़ा। हाँ 5 रुपये दे दो मेरे को, क्या उनको देना ना, सब तेरे से क्यों पिएंगे, कोई ना पियो, अभी तो तारी तो खुद ही पियोगे, थाने खेगी सुबह चाय पो कम खेरी जाए सबने, अभी देना पैसे सबकी बात करिए तो ला ले ले इसको, गिन ले मैंने 27 है, 270 रुपये निकालो फटाफट। और डबल पियेंगे तो भाई तरफ लिखो आगे, एक बाटी से कोई पेट भरे चाहिए यार, अब बिस्किट भी खाओगे ना खाओ यार, लाओ लाओ जी भाई और लाओ। हाँ नहीं यार तू चल जा घर पे यार, छुट्टी नहीं कर सकते, थोड़ा सा बचा हुआ है खत्म करते हैं चैप्टर को यार, नहीं बच रहा थोड़ा सा बच रहा। अरे नहीं नहीं भाई बिल्कुल ही बात नहीं, लिख लिया नहीं, मजाक वजाक सब खत्म, अब सुनो मेरी बात, क्वेश्चन लिखो आप, मोस्ट लगा लेना, भैया वैसे अपना कोर्स बहुत पीछे है और फिजिक्स में कटा कुछ भी नहीं है, ये याद रखना, तो वो 11वां पढ़ाया जो कट गया अब क्या करें। हाँ चल जाओ 5 का तो 10 ले जा, मेरे को तो कम से कम एक चाहिए, इसमें पढ़ा दूंगा उसमें गोविंद जी को बिठा दूंगा आगे, उसमें क्या यार। चलो क्वेश्चन लिखो यार, एक बात सुनो, तुम दिमाग क्यों लगा रहे हो, ये यहाँ तो आएगा अपन, ये तो बच रहा है, ये दोनों टॉपिक परिवर्स है, बात खत्म नहीं आएंगे। चलो क्वेश्चन लिखो आप, चित्र में 2 सरुसम, चित्र में 2 एक समान सेल, 2 एक समान सेल जोड़े गए हैं, जोड़े गए हैं जिनका विद्युत वाहक बल E, जिनका विद्युत वाहक बल E
वह आंतरिक प्रतिरोध नगण्य हैं जिनका विद्युतवाहक बल E, वह आंतरिक प्रतिरोध नगण्य हैं, आंतरिक प्रतिरोध नगण्य हैं। लिख लिया? नहीं आगे लिखो समांतर क्रम, रुको, तथा इन सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तथा इन सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। लिख लिया। इस संयोजन को प्रतिरोध कैपिटल R से, सॉरी ऐसे लिखो, प्रतिरोध कैपिटल R से प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा? प्रतिरोध कैपिटल R से प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा? कैपिटल R से प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा? यह है सवाल, सुन लेना, मैं रख दो। ये सवाल है, ये ई है, ये ई है, बुक का ये, हाँ थोड़ा वो, ये आर, ये आई और ये, समझ गए दोनों कौन से क्रम है? अरे बोलो, आंतरिक प्रतिरोध दिया ही नहीं उसने, अरे आंतरिक प्रतिरोध दिया ही नहीं, फटाफट निकाल। इधर से आ जाएगा, अरे आ जाएगा, जाएगा, अरे मुख्य रो, अरे मानो तो सही यार। कुंडी के सर, अरे आप तो गिरा बाम लाग रहे थे, अगर खान पे जगह ही चाय को मजो आएगा भाई साहब, खाएं भी क्यों, वो तो 8 रुपये में जिद्दू ही का। और उधर से क्या कर रहे हो तुम, ये सीखना है? कितना आएगा आंसर? इधर से कोई आंसर बता रहा है क्या? बोलो, तुम भी बोलो आंसर। कितना? ई बटे आर या टू ई बटे आर? ई बटे, तुम्हें तो धारा निकालनी है ना, हाँ, टू ई बटे आर। इसको पढ़ लो एक बार, इस पॉइंट को पढ़ो, जाओ इसके पास, कौन से क्रम में है दोनों? समांतर में, तो इस पॉइंट को पढ़ लो जिसमें लिखा, इसलिए करवाया सवाल। आपका आंसर गलत है बालिका, सलोनी आंसर बता गलत है तुम्हारा, इस पॉइंट को पढ़ लो भी आंसर आ जाएगा, पढ़ो इस पॉइंट को। कितना आया? किसी के टू ई बटे आर आ रहा हो ना, तो इसके पहले जो लिखवाया ना उसको पढ़ लो, ये जो आंसर दे रहे हैं वो गलत है उनका आंसर। जब समान मान के आ जाए ना, समान मान के आ जाए, तो सुन लो, समान मान के, समान विद्युत वाहक बल कैसे लिखते, समान विद्युत
विद्युत वाहक बल के सेल दो या दो से अधिक, ऐसे लिख सकता हूँ, दो या दो से अधिक समान विद्युत वाहक बल के समान विद्युत वाहक बल के दो या दो से अधिक सेल समांतर क्रम में, दो या दो से अधिक सेल समांतर क्रम में जुड़े हो तो ई इक्वल, बोले तो तुल्य विद्युत वाहक बल, पूरा लिख देता हूँ, जुड़े हो तो तुल्य विद्युत वाहक बल किसी एक सेल के विद्युत वाहक बल के क्या होता है, बराबर होता है। पक्का? तो E इक्वल बराबर E आ गया। R इक्वल कितना है, आर ई, आई कितनी आएगी, E इक्वल बटे R इक्वल, तो E बटे R। इसको ध्यान रखना, ये आगे भी आएगा, नगण्य तो आंतरिक प्रतिरोध है ना, जीरो मान लो, और तुम जीरो भी नहीं मानोगे, समान ही तो मानोगे, आर उन आर टू की वैल्यू आर आर ही तो मानेंगे। नियारा, अरे नियारा ना सम नगण्य नहीं है, तो कितना मान रहा है, आर मान ले, लगा सो, नहीं नगण्य नहीं मान रहा ना, तू आर मान ले तब भी यही आएगा, फिर अरवे से भी यही आएगा, वहां क्या रखेगा तो E इक्वल बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 R2, तो E1 R प्लस सॉरी E R प्लस E R बटे R प्लस R, तो 2 E R बटे 2 R, R से R, 2 से 2, तो वापस E आएगा। नगण्य नहीं मानेंगे ना, कुछ ना कुछ लोगे, तो समान विद्युत वाहक बल के समान आंतरिक प्रतिरोध के बिल्कुल हटाना है, आर आर को हटाना है, कौन से आर को, कौन सा आर, आंतरिक प्रतिरोध को हटाना है, हटा रखा है ना, मैंने कहाँ ले रखा है, इस वाले में मैंने आंतरिक प्रतिरोध कहाँ लिया, जीरो को बोला ना उसने, जीरो बोला तो जीरो बोल दिया, और जोड़ देता तो फिर ए इक्वल पहले अलग से निकालते अपन, किससे निकालते, ए वन E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 प्लस R2, उससे निकाल दे, फिर आते अपन किस पे, धारा, लिखो फटाफट। लिख लिया, अरे बोलो, चले आगे, आज ही पढ़ना या कल, कल पढ़े, थक गए होंगे तुम भी, कोई बात अभी हो रही है, मैं घर से आया था ना, तभी ठीक ठाक था, उधर पढ़ाया 2 घंटे, फिर इधर ये आधा 1 घंटा तो उसमें निकल गया सही करने में, बाकी ये चल रहा है, तभी तो और मेरे को रिकॉर्ड करनी है, बहुत भारी काम चल रहा है इसका, 3 घंटे तो BSc की, 2 घंटे उनकी दादा कोचिंग इंस्टीट्यूट, लिख रहे हैं ना तुम इनको, हाँ, और सबसे ज़्यादा ये इतना ही चल रहा है, ये तुम ऑनलाइन तो इनके लिए मानो जो देख रहे हैं, तुम्हारे लिए तो ऑफलाइन ही, और फिर भी तुम्हारे समझ में नहीं आया तो फिर मेरे को बताओ क्या नहीं आ रहा, हर चीज़ क्लियर मिल रही है तुम, सवाल का सॉल्यूशन में, और ये जो तो अपन इससे पहले जो ट्रिक निकाले ना, तो किताब में कुछ भी नहीं, वो तो क्या है, सवालों को हल करने के लिए मैंने बना रखे, ठीक है ना, तो अब कल पढ़ते हैं इसको, मैं बंद कर देता हूँ, रुको एक मिनट, कल तो चैप्टर खत्म ही सवाल सहित, और कल 2 बजे क्लास तुम्हारे, कितने बजे, 2 बजे, 2 से 4 बस, लो मेरे को उस पर इधर यहाँ यहाँ बस,